नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। वो अपनी स्टडी में लगे हुए हैं, उनको बेसब्री से इंतज़ार है कि कब जो है आरपीएफ की वैकेंसी आएगी, कब उसके फॉर्म अप्लाई होंगे और कब एग्ज़ाम होगी, कब हमारा इसमें सिलेक्शन होगा। क्योंकि आरपीएफ की वर्दी लेना जो है लाखों स्टूडेंट चाहते हैं, लाखों का सपना है इस वर्दी को हासिल करना, क्योंकि गजब की वैकेंसी है, गजब की इसमें सैलरी मिलती है, बढ़िया इसमें वर्क रहता है, आरामदायक पोस्ट है आरपीएफ, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसे कहते हैं। आरपीएफ के अंदर दो प्रकार की वैकेंसी निकलने वाली है, एक तो आपकी सब इंस्पेक्टर एसआई की निकलेगी और एक आपकी कॉन्स्टेबल की निकलेगी, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे हैं, सर हम जो है कितना सेफ इसको लेकर चले, फिर भी सर जो कट ऑफ गई थी वो क्या गई थी, तो फिर भी सर कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करूंगा, ठीक है, ध्यानपूर्वक आपको। दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है आरपीएफ नई भर्ती 2022 के बारे में। इसमें जो आपकी भर्ती निकलने वाली है उसमें टोटल पद जो रखने की संभावना जताई जा रही है 15,000 के समथिंग आपकी ये वैकेंसी निकलने वाली है, जिसमें आपकी एसआई के टोटल पोस्ट होंगे 3,000, ठीक है, महिला और पुरुष अभ्यर्थी। एसआई के टोटल पद कितने हो गए, 3,000 हो गए। इसमें आप 50% जो है महिलाओं का समझ लेना और 50% जो है पुरुषों का समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर 1500 आपकी जो है एसआई के पद निकलने वाले हैं, महिला और पुरुष के दोनों को मिलाकर जो है 3,000 पद यहाँ पर होने वाले है। नेक्स्ट, आपकी जो कांस्टेबल के पद है वो 12,000 होने वाले हैं पुरुष और महिलाओं के लिए। एंड आप जो है इसमें 50-50 कर लीजिए, 6,000 के समथिंग आपके ये पद होने वाले हैं कांस्टेबल आरपीएफ के। तो कुछ इस प्रकार ये भर्ती निकलेगी, इतने पद इसमें रहेंगे। आप इसमें आपको जो है पुरानी वीडियो देखिएगा, उसमें सारा बताया गया है, विस्तृत परीक्षा पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस एंड फिजिकल में क्या क्या आपसे करवाया जाएगा, सारा कुछ मैंने बता दिया है। आप पुरानी वीडियो को देखिएगा, उसकी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ओनली फोर में बात करूंगा कट ऑफ की, कि कितनी कट ऑफ यहाँ पर जाने वाली है एंड सिलेक्शन प्रोसेस आप देख लीजिए। दोस्तों, इसमें एलिजिबिलिटी जो रहेगी वो 10वीं और 12वीं पास रहेगी। 10वीं पास कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास आप जो है एसआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 25 भी रखी जाएगी और 20 से 25 भी रखी जाएगी। 18 से 25 एज जो है कांस्टेबल के लिए और 20 से 25 एज यहाँ पर जो है एसआई के लिए रखी जाएगी। आयु में छूट दी जाएगी, एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट एंड फीमेल्स के लिए यहाँ पर आयु में कुछ छूट दी गई है, 5 वर्ष की और 3 वर्ष की। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, सीबीटी में क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा वो मैंने बता दिया है, वहाँ से आप देख लेना। सीबीटी के बाद जो है पीईटी होगा, फिजिकल दौड़ इसमें होगी, इस हाई जंप लॉन्ग जंप वगैरह आपसे इसमें करवाया जाएगा। पीईटी के बाद जो है मेडिकल होगा, छोटा मोटा मेडिकल होता है, और मेडिकल के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपकी जो है फाइनल लिस्ट इसमें निकल जाएगी। तो कुछ इस प्रकार इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया रहेगी प्यारे दोस्तों। दोस्तों, पुरानी जो कट ऑफ गई थी वो आरपीएफ की क्या गई थी, एक बार आप ध्यान लीजिए। ऊपर यहाँ पर जो एसआई की कट ऑफ मैंने दर्शाई है, यहाँ पर ये आरपीएफ कांस्टेबल की है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल और फीमेल्स एसआई के ग्रुप ए की, ठीक है। ग्रुप ए में जो कट ऑफ गई थी पुरुष वर्ग की अंडर रिजर्व कैटेगरी से 94.59 कट ऑफ गई थी। ओबीसी की गई थी 95.53, एससी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 88.23, एसटी की जो कट ऑफ गई थी वो 85.59 कट ऑफ गई थी एसआई ग्रुप ए की पुरुष वर्ग की। महिलाओं की अगर बात की जाए ग्रुप ए एसआई की, तो अंडर रिजर्व कैटेगरी की महिलाएं हैं 79.38 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 77.77 कट ऑफ गई थी, एससी की एसटी की यहां पर जो है 60.44 और एससी की यहां पर 74.36 यहाँ पर ग्रुप ए की बात की है। ग्रुप बी की बात की जाए तो मेल की यहाँ पर जो कट ऑफ गई है वो 100.76 गई है, काफी खतरनाक गई है, ठीक है। ओबीसी का डाटा नहीं है, एससी की यहाँ पर कट ऑफ गई है ग्रुप बी की एसआई की 90.06, एसटी की 85.33, यूआर की फीमेल्स जो है उनके लिए कट ऑफ गई है ग्रुप बी की 87.12, ओबीसी की कट ऑफ गई है फीमेल्स की 97.38,
एसटी 94 पॉइंट वाइस एंड एससी जो है 74 पॉइंट वाइस, ये आपकी ग्रुप बी हो चुकी है। ग्रुप सी एसआई पद के लिए पुरुष वर्ग की बात की जाए तो 94.02 अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी 92.63, एससी 84.15 और एसटी यहाँ पर 81.45, ठीक है। ग्रुप सी की, ग्रुप सी की जो फीमेल्स है उनकी एसआई की जो कट ऑफ गई है यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी 79.43 एंड ओबीसी की यहाँ पर गई है 75.82, एसटी की गई है 62.87, एससी की गई है 66.33, ठीक है। ये आपकी ग्रुप सी की हो चुकी है। ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में जो है मेल्स की 99.95, ओबीसी की 99.75, एससी की 88.49, एसटी की 87.97, यूआर फीमेल्स की 87.42, ओबीसी की 84.45, एसटी की 72.49 एंड एससी की 72.12। ये आपकी ग्रुप डी की बात हो गई है एसआई पद के लिए। एसआई की यहाँ पर ग्रुप ई की बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी पुरुष वर्ग 74.22, ओबीसी 77.32, एससी जो है 69.14, एसटी यहाँ पर 62.62, ठीक है। फीमेल्स की ग्रुप ई की बात की जाए जो तो एसआई पद के लिए तो 42 ही गई थी एंड आपकी ओबीसी की जो है 40.92, एसटी की यहाँ पर 40.81 और एससी की यहाँ पर 38.67। तो ये आपकी एसआई के पद के लिए 2018 में जो कट ऑफ गई थी सभी कैटेगरी वाइज पुरुष और महिलाओं की मैंने यहाँ पर दर्शा दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कांस्टेबल का पद अगर आप भरना चाहते हैं तो कांस्टेबल की पुरानी कट ऑफ जानना अति आवश्यक है। कांस्टेबल की ग्रुप ए की जो पुरानी कट ऑफ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की 83.82, ओबीसी का डाटा नहीं है, एससी की जो कट ऑफ गई थी 77.9, एसटी की जो कट ऑफ गई थी प्रिय दोस्तों 78.32, ठीक है। पुरुष वर्ग कांस्टेबल ग्रुप ए की फीमेल्स की अगर बात की जाए तो 87.21 एंड ओबीसी की अगर बात की जाए तो 55.66 और एससी की अगर बात की जाए तो 50.76, ठीक है। ग्रुप ए, ग्रुप बी कांस्टेबल जो है अनरिजर्व कैटेगरी पुरुष वर्ग 89.42 एंड ओबीसी 89.26, एससी यहां पर 82.26 एंड एसटी यहां पर 78.68, ठीक है। एंड आप ग्रुप बी फीमेल्स की बात करें कांस्टेबल के लिए तो अनरिजर्व कैटेगरी 61.72 एंड ओबीसी की 44.30 एंड जो है एससी की 51.39, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार ये कट ऑफ गई थी। ग्रुप सी की अगर बात की जाए प्रिय दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी पुरुष वर्ग 87.32, ठीक है, ओबीसी का डाटा नहीं है एंड एससी की पुरुष वर्ग ग्रुप सी के लिए कांस्टेबल के लिए 78.26 एंड एसटी जो वर्ग है पुरुष वर्ग 77.41। महिलाओं की अगर बात की जाए ग्रुप सी की तो जो है अनरिजर्व कैटेगरी की 93.38, ओबीसी की 47.37 एंड एससी की 43.91, ठीक है। ग्रुप डी की अगर बात की जाए कांस्टेबल पद के लिए तो अनरिजर्व कैटेगरी 117.83 और ओबीसी की 120 एंड एससी की यहाँ पर 86.15 और एसटी की यहाँ पर 82.63 पुरुष वर्ग, ठीक है। महिलाओं की अगर बात की जाए ग्रुप डी की तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी 74.75, ओबीसी की अगर बात की जाए तो 71.33, एससी 52.33। ग्रुप एफ आता है, ग्रुप एफ के अंदर जो है मेल्स वर्ग के लिए कांस्टेबल के लिए जो कट ऑफ गई थी 50.09 एंड ओबीसी 61.33, एससी 62.05, एसटी 50.09 एंड महिलाओं की अगर बात की जाए ग्रुप एफ की तो अनरिजर्व कैटेगरी 42.45 और एसटी की यहाँ पर 38.85। दोस्तों काफी अभ्यर्थी सोचते हैं सर आपने जो इस प्रकार ये कट ऑफ दर्शाई है इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब जो 2022-2023 के अंदर आरपीएफ की कट ऑफ जाएगी वो कुछ अलग ही होगी। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने ओनली फॉर आपको पढ़ाई के लिए दर्शाया है कि आप जो है स्टडी कीजिए इतनी कट ऑफ लेकर, इससे कम कट ऑफ तो जो है कम ही जाएगी, ज़्यादा ही जाएगी क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस कट ऑफ को देखकर आप जो है आरपीएफ की तैयारी कीजिएगा, इसलिए मैंने ये कट ऑफ बताई है। यहाँ पर जो अभ्यर्थी पूछ रहे हैं उनका भी यहाँ पर जो है डाउट क्लियर हो चुका होगा कि 2018 में आरपीएफ एसआई और कॉन्स्टेबल की क्या कट ऑफ गई थी पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए। कट ऑफ जानना बेहद ही जरूरी है दोस्तों, और रियल कट ऑफ जानना जरूरी है,
फेक कट ऑफ तो कोई भी दर्शा देता है, झूठी कट ऑफ तो कोई भी बता सकता है। जो फैक्ट कट ऑफ होती है, ऑफिशियल कट ऑफ होती है, वो आपको अभी से क्लासेस पर यहाँ पर दर्शा दी गई है। ध्यानपूर्वक स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिएगा, इतनी कट ऑफ मानकर आप जो है वर्दी को लीजिएगा, आरपीएफ कॉन्स्टेबल और एसआईकी को। नेक्स्ट आपका पार्ट रहेगा इसमें आरपीएफ की भर्ती कब आएगी, कब इसमें जो है एग्जाम्स होगी, सारा कुछ फैक्ट यहाँ पर बता दूंगा। अभी तो आप कट ऑफ को दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि कट ऑफ को जाने बिना, पुरानी जो कट ऑफ होती है उसको जाने बिना हम किसी भी एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर सकते। पुराने पेपर्स को देखे बिना हम किसी भी एग्जाम्स को फाइट नहीं कर सकते, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अभी से क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने प्रिय दोस्त को इसे शेयर कर देना, एंड जो है प्यारा सा कमेंट छोड़ देना और एक बार लाइक भी कर देना, ठीक है। धन्यवाद प्यारे मित्रों, प्यारे बंधुओं।